back again. Welcome to Jyoti Verma. Hope you guys are doing great. Hope you guys are staying safe at home. Welcome to Jyoti Verma. आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योति लॉन्स की सीरीज की न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं how to square any number nearer to 50. Means attacking. Here we are going to take 50 as a base. 50 हम लोग as a base number use करेंगे. 50 as a base use करेंगे और 50 से ही सारी numbers की predictions भी करेंगे. बहुत simple हो जाएगा ना ये. तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना. एंड तक देखते देखते पूरी ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी और फिर आप नंबर्स की स्क्वायरिंग बहुत इजीली कर लोगे. सो लेट्स बिगिन विथ अवर वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट आर वी एक्चुअली गोइंग टू डू. सो पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज वी आर गोइंग टू टेक 50 एज अवर बेस. हियर बेस मेथड मैंने सिखा था उसमें वी हैव टेकन 10, 100, 1000 ऐसे रिपीटेड जीरो वाले नंबर एज अ बेस. बट हियर वी आर गोइंग टू टेक 50 एज अ बेस. 50 एज अ बेस लेके कैसे कर सकते हैं हम लोग स्क्वायरिंग. बहुत सिंपल है गाइस, ज़रूर देखें. अब इसको जानने से पहले 50 का हाफ क्या होता है वो जान लेते हैं. 50 का हाफ होता है 25. सो 50 और 25 यहाँ पे एक्यूरेट नंबर्स हैं और डेफिनेट नंबर्स है. डेफिनेट नंबर्स मतलब जो हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने, क्योंकि 50 का हाफ 25 होता है, आपको वो भी यूज़ करना है साथ साथ में 50 भी यूज़ करना है. तो चलिए पहले ट्रिक को जानते हैं और फिर ये सारी बातें करेंगे. सो लेट मी टेक द वाइट चॉक एंड देन बिगिन. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 46. नाउ गाइस 46 जो क्वेश्चन है वो 50 के नियर है. आप देख रहे हो 50, आप यहाँ पे बेस यूज़ कर. बेसिकली ये ट्रिक आप नंबर्स पे यूज़ कर सकते हो जो कि 32, 80 हो. लेकिन 32, 80 तक जाते जाते आपका ये ट्रिक है ना यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो प्रीफरेबल क्या है, जो मैं प्रीफर करूँगी कि आप इस ट्रिक को यूज़ करो नंबर्स जो कि हो 42 से आप यूज़ कर सकते हो इसको 58 तक. ठीक है, यहाँ तक ये बहुत सिंपल होता है यूज़ करने के बाद. उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा का टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो आप दूसरी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो. नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 से इसकी प्रेडिक्शन करनी. हम लोगों ने बेस मेथड सीखा था, उसमें हम लोग किससे 1000 बेसिस से प्रेडिक्शन करते थे. यहाँ पे 50 से करनी है. प्रेडिक्शन कैसे करनी है, आपको बताना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है या फिर ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है. तो मैं देख सकती हूँ कि ये नंबर है वो 50 से 4 कम है, -4 में जा रहा है. 50 -4 है ये. ठीक है, तो इसको मैं एक फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ कि तो 50 -4 है इज इक्वल टू 46. ये सही है ना, ये सही है, ये आ गया आप लोगों को. तो समझो सब आ गया. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 24 का स्क्वायर निकालना है. 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16, वो आपको लिख देना है. अब आपको 25 है उसमें माइनस करना है ये 4 ही. 16 माइनस नहीं करना, जो आपका 4 है वही माइनस करना है. आपका आंसर आ जाएगा 21. आपका आंसर है गाइस, आपका 46 का स्क्वायर होता है 2116. इफ़ यू वांट देन यू कैन चेक इट यूजिंग अ कैलकुलेटर. दिस आंसर इज एब्सोल्युटली एंड एक्सट्रीमली करेक्ट. मूविंग ऑन, यहाँ पे और ट्रिक्स देख लेते हैं. लेट्स सी इट. और इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रिक्स टिल देन प्लीज़ वॉच द रिप्ले ऑफ दिस वीडियो और वो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि एंड तक तो ये इतनी ईजी ट्रिक है ना, आपको समझ में आ ही जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते करते. अब नंबर लेते हैं 47. 47 का भी स्क्वायर निकालते हैं. इसमें भी हम लोग 50 को एज अ बेस यूज़ करेंगे. 50 एज अ बेस यूज़ करेंगे तो हमको बताना है कि 47 50 से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा. 47 50 से लेस में जा रहा है, तो 47 को बोल सकते हैं हम लोग 50 -3 इज इक्वल टू 47. ठीक है, अब आपको 3 जो आ रहा है यहाँ पे 50 के बाद उसका स्क्वायर निकालना है. 3 3 9, 9 की जगह आप लिखोगे 09. ओके, 2 डिजिट्स ही आपको लिखने हैं. देन 25 में से आपको 2 माइनस. हम लोगों ने 25 डेफिनेट नंबर क्यों रखा है, क्योंकि 50 का हाफ होता है 25. 25 में -3 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 22. वो आप यहाँ पे लिख दोगे 22, आप यहाँ पे नॉर्मली लिख दोगे. गाइस आपका आंसर है 2209. आपका आंसर है 2209. क्वेश्चन था हमारा 47 का स्क्वायर. 47 का स्क्वायर होता है 2209. था ना ये बहुत ही ज़्यादा इजी और एक्यूरेट ट्रिक. अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे सिंपल सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे. निकालते हैं आप 48 का स्क्वायर. तो 48 का स्क्वायर भी इसी ट्रिक से निकालेंगे. 48 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, आप बेस यूज़ करोगे 50
50 एज अ बेस आप लोगे, ठीक है, 50 एज अ बेस। अब आपको बताना है कि 50 मतलब 48, 50 से कितना लेस है, क्योंकि आप देख रहे हो ये लेस है। तो 50 माइनस 2, बस सिंपल है, 50 माइनस 2 आपने कि आप 2 का स्क्वायर निकालोगे जिसको होता है 4, लेकिन आपको 2 डिजिट लिखना है इसलिए आप लिखोगे 04। अब 25 जो है, 25 में से 2 लेस कर दोगे, माइनस 2 कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। गाइज गेस व्हाट, 48 का स्क्वायर होता है 2304 था ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत सिंपल था ना ये। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रखते हैं 49 का स्क्वायर। अब ये रैंडम नंबर्स हैं लेकिन बहुत इजी है इनके स्क्वायर्स निकालना। अब 49 का स्क्वायर आप इसी ट्रिक के थ्रू निकाल लेंगे, 50 एज अ बेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 50 एज अ बेस यूज़ करेंगे, 50 का बहुत ज़्यादा नियर है, 50 माइनस 1 हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 49 को। 50 माइनस 1 अगर हम लोगों ने बोल दिया तो इसको 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 सा होता है 1, 1 की जगह हम लोग लिखेंगे 01। देन आफ्टर 25 माइनस 1 होता है 24, आप इसे लिख दोगे यहाँ पे 2401 आपका एक्यूरेट आंसर है। और आपका क्वेश्चन था ये, बस सिंपल था, बहुत सिंपल था यार, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक और नंबर, 52 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि ये तो 50 से ज़्यादा है, 50 से कम नहीं है। इसको कैसे सॉल्व कर, इसको भी वही ट्रिक से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, इसमें भी 50 एज अ बेस लिखना है और बताना है कि 50 से 2 ज़्यादा है, मतलब 50 प्लस 2। अब 2 का स्क्वायर ले लोगे, 50 प्लस 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर, 2 से 4 की जगह आप लिखोगे 04, सिंपल है। और अब आपको क्या करना है, 25 में प्लस 2 करना है, वहाँ माइनस करते थे पर यहाँ पे 25 में आपको करना है प्लस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। आपका पूरा आंसर है 2704, जहाँ की आपका क्वेश्चन था 52 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर है 2704। सिंपल था ना ये, बहुत सिंपल था। नाउ एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज द पेन। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं उसी तरह का जैसे 54 का स्क्वायर। सो हियर वी हैव टू टेक 50 एज अ बेस एंड देन ऐड 4। नाउ वी हैव टू स्क्वायर दिस नंबर, सो इट वुड बी 16 एंड देन 25 प्लस 4, सो इट वुड बी 29। सो योर आंसर इज़ 2916। सिंपल था ना ये। ये क्वेश्चन अगर अभी तक आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, पीछे करके देख ले, थोड़ा सा रिप्ले देख ले, समझ में आ जाएगी ट्रिक। और फिर और या फिर वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि एंड तक तो आप ये ट्रिक मास्टर कर लोगे। क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करने हैं एंड देन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे हम लोग 54 लिया था, क्यों ना एक अलग नंबर लेते हैं, 53 का स्क्वायर ले लेते हैं। 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो, बस इसको क्या करना है आपको लिखना है इन द फॉर्म, 50 एज अ बेस ले रहे हो, 50 प्लस 3, सिंपल। आप 3 का स्क्वायर निकालोगे, 3 जा होता है 9 की जगह आप लिखोगे 09, ठीक है। और अब आपको 25 में यही 3 को ऐड कर देना है। आप लोग देख रहे हो 25 एक्यूरेटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेट नंबर है ये, और उसमें यही नंबर को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन था तो हम लोग सब्ट्रैक करते थे, यहाँ पे एडिशन आ रहा है तो ऐड करेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 28। बस यार क्या है, बस दोनों को अटैच कर दिया आपने। आप क्या कर रहे हो लास्ट में, आंसर्स को अटैच कर रहे हो, आंसर्स को इस तरह से एक साथ अटैच कर देते हो, तो जिससे आपका आंसर आ जाता है बड़े ही इजीली। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रखते हैं 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर होगा, कंफ्यूज मत हो यार, 54 का स्क्वायर होगा 50 प्लस 4, 4 का स्क्वायर लिख दोगे जो कि होता है 16, 25 प्लस 4 करोगे जो कि आपका आ जाएगा 29, आपका आंसर है 2916। सिंपल था ना, धीरे धीरे आप ये माइंड में कैलकुलेट करने लग जाओगे, इतनी सिंपल सी ट्रिक है। अब यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं, ऑलमोस्ट ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। सो यहाँ पे लेते हैं 56 का स्क्वायर, 56 का लिख लोगे आप 50 प्लस 6 के फॉर्म में, 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36, और 25 में आपको ऐड करना है 6, 25 प्लस 6 होता है 31, आपका एक्यूरेट आंसर आ गया 3136।
कितने सिंपली आप आंसर ले आए, कितने सिंपली इस ट्रिक के थ्रू आपने इसको सॉल्व कर दिया। गाइज यही तो ये ट्रिक थी, यही तो ये क्वेश्चंस थे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे अगर वो 50 के नियर हुआ। मैंने जो रेंज बताई है 60, आप वो रेंज को फॉलो कर सकते हो या उस रेंज से एक्सटेंड अप कर सकते हो या फिर अंदर ही रह सकते हो, ठीक है। तो यही ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। हाउ वाज दिस ट्रिक, कैसी लगी आप सबको ये ट्रिक, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप यू कैन बी नोटिफाइड ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड गाइस इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, और कौन कौन से ट्रिक्स चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और मेरी मैथ मैजिक वैदिक मैथ्स की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसको जरूर विजिट करना, उसमें इससे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे ट्रिक्स है, इसी टाइप के इससे भी अच्छे अच्छे हर टाइप के ट्रिक्स, वेदर वो मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन हर ऑपरेशन के ट्रिक्स हैं, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट्स क्यूबिंग क्यूब रूट्स हर तरह के ट्रिक्स है, तो वो जरूर विजिट करना। एंड गाइस दिस वाज इट फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।